इंदौर में नगर निगम द्वारा बुजुर्गों के साथ की गई अमानवीय हरकत को लेकर कांग्रेसियों ने मोर्चा खोल दिया है। अब इस मामले में निगम आयुक्त को जिम्मेदार ठहराते हुए कांग्रेसियों ने निगम आयुक्त को हटाने की मांग भी की है। अपनी मांग रखते हुए कांग्रेसियों ने न सिर्फ रैली निकाली बल्कि संभाग आयुक्त कार्यालय के सामने जमकर हंगामा भी किया। इस दौरान कुछ कांग्रेसी श्रवण कुमार भी बनकर आए, बुजुर्गों के पोस्ट को टोकनी में रखकर उसे कंधे पर टांग कर कांग्रेसियों ने घटना का विरोध जताया। विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कांतिलाल भूरिया, विधायक जीतू पटवारी, संजय शुक्ला, विशाल पटेल, शहर और जिला कांग्रेस अध्यक्ष सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। कांतिलाल भूरिया और जीतू पटवारी ने कहा कि इंदौर में बुजुर्गों के साथ जो अमानवीय हरकत हुई है वह बहुत ही निंदनीय है। वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष द्वारा इस मामले को लेकर ये कहने पर कि अध्याय खत्म हो गया है पर आपत्ति भी जाहिर की। उन्होंने कहा कि बुजुर्गों को पशु की तरह खोज खोज कर गाड़ी में ठूसना, इतना ही नहीं उन्हें जंगल में ले जाकर धक्का देकर छोड़ देना बेहद शर्मसार करने वाली घटना है। अभी भी 12 बुजुर्ग गायब हैं, उन्हें कहां छोड़ा गया है, वे किस हाल में है पता नहीं। निगम प्रशासन और सरकार उनका पता लगाए, इस घटना से पूरा देश दुखी है। वहीं इस मामले में निगम प्रशासक और संभाग आयुक्त डॉक्टर पवन कुमार शर्मा का कहना है कि इस मामले में निगम बेहद संजीदा है और जिन बुजुर्गों के लापता होने की बात कही जा रही है उन्हें भी ढूंढवाया जा रहा है। साथ ही सभी बुजुर्गों का मेडिकल चेकअप सहित अन्य सुविधाओं का भी ध्यान रखा जा रहा है। इंदौर शहर जो कि हर चीज में नंबर वन है, लेकिन एक ऐसी घटना जिसने इंदौर को शर्मसार करके रख दिया है, उसी संबंध में आज कांग्रेसी द्वारा संभागायुक्त कार्यालय पर ज्ञापन दिया गया है। उसी के चलते वर्तमान विधायक और महापौर के दावेदार संजय शुक्ला जी हमारे साथ हैं। हम उनसे जानते हैं, सर ज्ञापन दिया है आज कमिश्नर को, इंदौर शहर में चार दिन से लगातार जो शर्मा घंटा हुई, चार दिन हुआ है बंद। जिन अधिकारियों ने ये कार्रवाई करी है उनको कोई कार्रवाई नहीं हुई है, इसके लिए लगातार कांग्रेस इसका विरोध कर रही है। परंतु चार दिन होगा, चार दिन के अंदर मुख्यमंत्री भी इंदौर थे, प्रदेश के अध्यक्ष भी इंदौर थे, प्रदेश के अधिकांश मंत्री इंदौर में थे, उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके लिए आंदोलन कर रही थी बुजुर्गों के सम्मान में, इंदौर शहर में कांग्रेस खड़ी हुई है बुजुर्गों के सम्मान में, जो जिन मदद किया इससे इंदौर पूरे देश के अंदर बदनाम हो गया, जो नंबर वन था वो आज नंबर से पीछे हो चुका है। इसके लिए आज ज्ञापन दिया, जो जो बुजुर्ग हमारा सम्मान है, जिनका आशीर्वाद से हम आगे बढ़ते हैं। हो सकता है कल के दिन ये जितने हमारे शहर के बुजुर्ग उनको शहर के बाहर फेंक दें, परंतु ऐसा नहीं होने देंगे। कांग्रेस पार्टी हमेशा खड़ी हुई है और इसके लिए विरोध करेगी। और जिन लोगों ने रद्द किया है उसको सस्पेंड करना चाहिए, उनका तकरार होना चाहिए। क्योंकि देखिए मुख्यमंत्री जी एक वीडियो कॉन्फ्रेंस में ग्वालियर के कमिश्नर सफाई के लिए उनको सस्पेंड कर सकते हैं। इंदौर शहर में जो कचरे से ज़्यादा पूरी हालत लग रही बुजुर्गों की, उनको ऐसा कृत किया, ना उनको हटाया गया ना उसको कार्रवाई की है। उसके लिए आज कांग्रेस पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ताओं द्वारा ज्ञापन दिया गया कि तत्काल कार्रवाई की जाए, नहीं करते इसके आंदोलन किया जाएगा। सर आपने लगातार मांग कर रहे हैं कि जो 14-15 लोग थे उस वीडियो में, उसमें से कई लोग मिसिंग हैं, उन लोगों की जाँच नहीं हो रही है, कहाँ है उनका कुछ पता नहीं चल पा रहा है, लेकिन अधिकारियों से जब बात की जाती है तो अधिकारी से जाँच का हवाला दे के उसे छोड़ देते हैं। देखिए हम कल भी कमिश्नर से मिलने गए थे, कमिश्नर कल भी नहीं मिली। इंदौर नगर की यह हालत है कि एक भी अधिकारी कर्मचारी या कमिश्नर कोई भी नगर निगम में नहीं बैठते, उसके खिलाफ हम कल वहाँ गए थे। अब ऐसा होगा तो हम लगातार नगर निगम जाएंगे, जो अधिकारी नहीं मिलेगा उसको मुँह भी काला करेंगे। ऐसा नहीं हुआ, क्यों नगर निगम में आपको जनता के लिए बिठाया गया ना वो मिल रहे हैं, और इंदौर में जो 12 लोग गायब उसके लिए अधिकारी ना हमसे मिल रहे हैं, ना फोन पर बात कर रहे हैं, लोगों ने फोन बंद कर रखे हैं, पेपर में भी छपा है, जो अधिकारी उन्होंने अपने मोबाइल बंद कर रखे हैं। हम तो ऐसा नहीं होने देंगे, हम इस पर तत्काल कार्रवाई करेंगे। क्योंकि इंदौर का जो 12 लोग गायब हैं उसमें कार्रवाई होना चाहिए, नहीं होती है। जिन अधिकारी को लेकर उसको उस पर अपहरण का मुकदमा कायम होना चाहिए और 302 का मुकदमा कायम होना चाहिए, क्योंकि वो लोग गायब हो चुके हैं या मर चुके हैं। क्योंकि इतनी ठंड पड़ रही थी उनको कहाँ लिया गया आज तक किसी को नहीं मालूम पड़ रहा है, इसलिए 302 का मुकदमा कायम होना चाहिए। और नहीं करती है पुलिस तो हम इसके प्राइवेट कंपनी करके कोर्ट द्वारा इन 300 का मुकदमा कायम कराएंगे। संजय शुक्ला जी हमारे साथ थे, उन्होंने कहा कि जो लोग अभी तक नहीं मिल पाए हैं उनके लिए अपहरण की जो धारा है वह लगना चाहिए और उन लोगों को ढूंढना चाहिए कि वो लोग आखिर कहाँ हैं, क्या उनकी मृत्यु हो गई है या फिर उनको कहीं ऐसे स्थान पर रख दिया गया है जहाँ पर किसी को पता नहीं चले। इन तमाम मुद्दों को लेकर जो कांग्रेस है वो लगातार जो इंदौर की जो शान एक तरीके से कहा जाए कि स्वच्छता में नंबर वन लगातार आ चुकी है इंदौर, जिसके कारण देश ने विदेश में भी इंदौर का नाम है, लेकिन सिर्फ एक छोटी सी घटना ने इंदौर शहर को शर्मसार करके रख दिया है। नेता प्रतिपक्ष फौजा शेख जी भी हमारे साथ साथ में हैं और हम उनसे जानते हैं कि आज एक ज्ञापन दिया गया है, किन किन बिंदुओं को महत्वपूर्ण जो बातें हैं वो उसमें रखी गई हैं।
जिस तरह से शहर में गरीब बेसहारा लाचार लोगों के साथ बहुत दर्दनाक हादसा हुआ, हम कहेंगे और शहर का मुंह काला करा, क्योंकि शहर जब सफाई में नंबर वन आया और गरीबों के साथ इस तरह की स्थिति हुई तो पूरे शहर की नहीं पूरे देश और दुनिया की आत्मा को हिला दिया। इसी को लेते हुए हमने आज प्रदर्शन रखा था, क्योंकि इनकी आंखें नहीं खुली थी। हमें ऐसा लग रहा है शिवराज सिंह चौहान दो दिन यहाँ रहे पर उन्होंने एक शब्द अपनी ज़बान से नहीं बोला कि उन गरीबों का मैं क्या करूं, जबकि वो गरीबों के मामा और भाई बनते हैं। तो इस तरीके की कोई भी उन्होंने ऑब्जेक्शन नहीं लिया। और कल एक मंत्री ने मंच से तहसीलदार को आवाज़ दिया और वो तहसीलदार वहीं मौजूद था और वो सुन नहीं पाया, तो उसको सस्पेंड करके और उसको बहुत टॉर्चर किया गया। जबकि आप देखिए कि शहर के गरीबों के साथ खुलेआम जो घटना घटी वो पूरे देश में प्रसिद्ध हो गई है, राष्ट्रीय चैनल पे चलाई जा रही है, बड़े बड़े वक्ता इसमें सामने आ रहे हैं। तो हमने ये आंखें खोलने के लिए भाजपा की, और जनता देख रही है कि क्या सही है और क्या गलत है। जब हमारी कांग्रेस की सरकार थी, जब बहुत सुकून था, किसी के मकान नहीं टूट रहे थे, माफियाओं के मकान तोड़े जा रहे थे, तो हर चीज़ सही हो रही थी, चाहे वो 15 महीने की सरकार थी पर बहुत सुचारू रूप से चलाई जा रही थी, गरीबों का हक मिल रहा था। आज वही सरकार फिर से पलट गई है और गरीबों को परेशान कर रही है। जो रास्ते पर रहते हैं उनसे दो रोटी नहीं मांगते, उनको सुनसान इलाके में मरने के लिए छोड़ के गई। तो हमने ये गैर इरादतन का केस दर्ज करने का, जिसका भी ऑर्डर है, जो कर्मचारी है, सब पे मुकदमा दायर करने के लिए बोला है। लेकिन मैम, लगातार कांग्रेस इस बात को उठा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जो लोग गायब हैं उन लोगों का भी कुछ पता नहीं चल पा रहा है, तो कि अगर आगे अगर इसी तरीके की भूमिका अगर सामने आती है अधिकारियों की, तो कांग्रेस की तरफ से क्या रवैया रहेगा? कांग्रेस की तरफ से और इससे भी बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा, जैसे कि मुख्यमंत्री के बंगले पे जाके हम प्रदर्शन करेंगे। साथ ही हम गरीबों को अब साथ में लेकर चलेंगे, जिस तरह से गरीबों के साथ अत्याचार हो रहा है, और ये सिर्फ अपनी रोटी सेकने वाली सरकार है, इसकी आंखें खोलना हमें आती है। और हम सारी गरीब जनता भाभी के साथ हैं। बुजुर्गों के जो एक घटना घटी थी आज से 3 दिन पहले, उसके संबंध में कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल ने अभी प्रदर्शन भी किया और ज्ञापन दिया है। जैसी उसकी उनकी मंशा है, मैं माननीय राज्यपाल जी को इसको प्रेषित कर दूंगा, और जो भी बिंदु उसमें उठाए गए हैं उस पर जो भी नियमानुसार कार्य किया जा सकता है। नहीं, उसमें एक तो यही है कि बुजुर्गों की जो ठीक ढंग से नहीं हैंडल किया गया है, उनको ठीक ढंग से हैंडल किया जाए। तो अभी आप लोगों को पता होगा कि एक हमने अभियान, दीनबंधु अभियान भी आरंभ किया है। सभी बुजुर्गों का, जो भिक्षुक बुजुर्ग हैं, उनका मेडिकल परीक्षण भी कराया जा रहा है। उनको जैसी आवश्यकता है, जो वृद्ध भिक्षुक वो हैं उनको वृद्धाश्रम में बेसहारा है। इसके अलावा जिनको अगर कोई अनसाउंड माइंड का है तो उनको अपने अस्पताल के अंदर, या अन्य बीमारियां हैं उनका इलाज भी कराया जा रहा है। तो प्रशासन इस पर सजग है, और जो भी हमारे भिक्षुक बंधु हैं उन पर जो भी उनके पुनर्वास का भी कार्य है। कांग्रेसियों की क्या मांग है इसमें ज्ञापन में, जो उनकी मांग बता दीजिए। नहीं, वो तो ज्ञापन से आप देख सकते हैं। संजय शुक्ला विधायक, उन्होंने आरोप लगाया था कि सर 15 जो बुजुर्ग थे उसमें से केवल 4 ही रेन बसेरे में पाए गए थे। नहीं, जो उस दिन जो घटना घटी थी उसकी तो प्रारंभिक जांच नगर निगम ने की है और विस्तृत जांच भी की जा रही है, तो ये सब तथ्य जांच के बाद आपके सामने आ जाएंगे। लेकिन सर, जो वीडियो में जितने लोग हैं उन लोगों को वापस कहाँ छोड़ा गया है, अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हो पा रही है। साथ ही कल जो संजय शुक्ला जी एक परिजन को लेकर निगम भी पहुंचे थे, तो सर कुल मिला के जो लोग हैं वो लोग कहाँ हैं, अभी तक इस बात की पुष्टि कोई भी नहीं कर पा रहा है। मैं इसको नगर निगम कमिश्नर द्वारा जो जाँच की जा रही है उनसे सारे तथ्य प्राप्त कर लूंगा और आप लोगों के समक्ष भी रख दिए जाएंगे। कि नगरी न्याय के लिए जानी जाती है, और न्याय इंदौर शहर का संस्कार है।
इंदौर की जनता ने स्वच्छता में देश में दुनिया में इंदौर का नाम नंबर वन किया। ये घटना ने इंदौर को कलंकित किया। मैं मानता हूं कि ऐसी पूरी परिस्थिति में मुख्यमंत्री से हमें आस थी कि वो कार्रवाई करेंगे, संज्ञान में लेंगे, पर जब पत्रकार पूछते हैं तो हाथ जोड़ के दूसरे रास्ते से चले जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री कहते हैं, अध्यक्ष कहते हैं कि अध्याय समाप्त, बुजुर्गों का अपमान, उनके साथ अत्याचार, उनके साथ हठधर्मिता और अध्याय समाप्त। ये अपने आप में कलंकित करने वाली भावना है। मैं मानता हूँ कि ऐसी परिस्थिति में मुख्यमंत्री संज्ञान में ले, बड़े अधिकारियों पर कार्रवाई हो, घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो, ये कांग्रेस पार्टी मांग करती है। क्या मांग है आप लोगों की? पूरे इंदौर जिले के नेता कार्यकर्ता और हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महामंत्री श्रीमती प्रियंका गांधी जी और हमारे नेताओं ने, माननीय कमलनाथ जी ने बहुत दुख व्यक्त किया कि इंदौर में जो तर्क हुआ है कि हमारे बुजुर्ग जो आज जिंदगी के आखिरी पड़ाव पे बैठे हैं, कब क्या हो जाए, अब उनको एक पशुओं की तरह है, उनको ढूंढ ढूंढ के खींच खींच के गाड़ी में बिठा रहे हैं और वहाँ ले जाके खींच खींच धक्का मार के उतार रहे हैं। और कई 12 लोग बुजुर्ग गायब हैं, यहाँ पर 12 लोग बुजुर्ग गायब हैं, उनको कहाँ जाके छोड़ा, कहाँ आज क्या हालत, उनको भी सरकार और नगर निगम उसका पता लगाए और ऐसे दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। हम लोग दुखी मन से, मैं भी आज झाबुआ से आया हूँ कि आज हम इंदौर के साथी कर रहे हैं, पर आज इतना पूरा देश दुखी है कि इतने मानवता नाम की कोई चीज़ नहीं है। इंदौर के प्रशासन और सरकार के थोड़ी भी रहम नहीं कि आज बुजुर्गों को बना पशु की तरह से ठूस ठूस के भर के ले जा रहे हैं और जंगलों में उसको छोड़ रहे हैं। ये तो हमारे प्रदेश के जागरूक साथी हैं, उन्होंने मामला उठाया और यहाँ के वहाँ के ग्रामीण लोगों ने कहा कि ये किसके भरोसे छोड़ के जा रहे हैं आप लोग, उनको रोक के। और ये बात जब इंदौर में फैली, इंदौर की जनता ने बड़ा दुख व्यक्त किया और हमारे नेता प्रियंका गांधी और राहुल गांधी जी ने कहा कि उसके तत्काल उसकी कार्रवाई हो और बुजुर्गों को जो 12 गायब उनको ढूंढ के दे और उनके खाने पीने की व्यवस्था सरकार की तरफ से हो, ये हमारी मांग है। अच्छा, आपने एक बड़ा आरोप लगाया है, आपने कहा है कि राम मंदिर सब हम राम के भक्त हैं, हम राम के भक्त हैं, राम मंदिर बनना चाहिए, पर भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से लोगों के साथ कर रही है कि पहले कहते थे हम मंदिर बनाएंगे, लोगों ने मंदिर के नाम से महिलाओं ने चूड़ियां और मंगलसूत्र उतार करके दिए थे पिछले सालों, और पैसा हजारों करोड़ रुपए इकट्ठा हुआ था। मैंने यही पूछा कि स्वीच हिंदू परिषद और बीजेपी से मांग की पिछले समय का जो पैसा है उसको कितना हजार करोड़ वो बताए इस देश की जनता को, और वो पैसा मंदिर में लगेगा या और किसी काम में लगेगा, ये मैंने इनको कहा कि मैंने पूछा उनको कि आप जो पिछले समय का पैसा वो कितना, वो मतलब जो ट्रस्ट है उसके जुम्मे करो या जवाबदार व्यक्ति को, पर उसका पैसे का हिसाब नहीं। अभी हजारों टोलियां बना दी आर एस एस विशेंदु परिषद, हजारों टोलियां और गांव-गांव शहर में घूम रहे मंदिर बना पैसा, और पैसा जो भी श्रद्धा अनुसार देना चाहिए क्योंकि राम का मंदिर है, 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपया गरीबी निकाल दे। पर ये जानना चाहता है कि पिछले समय का हजारों करोड़ रुपया जो इकट्ठा हुआ था वो कहाँ है, वो किसके पास है, उसका जवाब हम मांग रहे हैं। अभी क्या जनसेवा कर रहे हैं हम राम मंदिर के माध्यम से। विश्वास सारंग जी बोल रहे हैं, विश्वास सारंग जी मध्य प्रदेश के मंत्री विश्वास सारंग बोल रहे हैं, राम मंदिर का, राम मंदिर के लिए जनसेवा हो रही है, ऐसा विश्वास सारंग जी तो ठीक है, विश्वास सारंग जी बोल रहे थी राम के लिए सेवा हो रही तो अच्छी बात है, पर वो सेवा हो रही है और उसके साथ ही जो बुजुर्गों से अत्याचार हुआ उसके बारे में बोलेंगे, और राम के साथ उसका हो रहा था, राम के लिए पैसा है देना चाहिए, मंदिर बनना चाहिए, पर हम उसको सारंग जी से पूछना चाहते हैं कि आपके आपके जो आला नेता है उनसे पूछो कि पिछले समय का हजारों करोड़ रुपए इकट्ठा तो कहाँ है, उसका हिसाब देश की जनता को दे। सारंग जी से मेरा अनुरोध है, उनसे पूछे। आपने एक आरोप भी लगाया था कि जो पैसा भेज दी है, हजारों टोलियां बना के भेजी है, हर जगह जा रहे, एक टोली जा रही दूसरी फिर जा रही, और पैसा तो लोग कहते हैं क्या करते हैं वो जाके खाते हैं, लोग कह रहे हैं, आम जनता बोल रही, मैं नहीं बोल रहा हूँ, क्या बोल रही है बस पैसा खा पी रहे, चलो सही काम में लगा, मंदिर में लगा, अच्छी बात है, पर लोग पैसा पिछले समय का हिसाब नहीं बता रहे,
अब के लिए पैसा जो पर पहले वाला पैसा पर कितना कम देश देश की जनता देगी। मंदिर भगवान राम हमारा है, सबका है, वो पैसा देगी, मगर पिछले समय का पैसा उन्होंने दबा के बैठे हैं, वो पैसा देश को बताए, ये हमारी मांग है। जो रिपोर्ट कैनन न्यूज़।